नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज का हमारा जो संस्कृत विषय में उपविषय होगा वह है प्रत्यय। जैसा कि हम हिंदी में भी उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ते हैं, जैसे सप्त भगिनी, सात बहनें होती हैं, सात नदियां ऐसी हैं जिन्हें सप्त भगिनी संस्कृत में कहा जाता है, वैसे ही उपसर्ग और प्रत्यय जब भी हम पढ़ते हैं तो इन दोनों का हमारी जीवा पर जो है दोनों का साथ में नाम आता है। तो हिंदी में हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय कर चुके हैं, तो यह बात तो क्लियर हो गई है कि प्रत्यय क्या होते हैं। जो हिंदी में परिभाषा होती है वही संस्कृत में परिभाषा होती है, सिर्फ भाषा का अंतर है। हिंदी में जो हम शब्द के पीछे लगाते हैं और जिसका अर्थ, जिसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है वह प्रत्यय होता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ के अंदर हमने ना प्रत्यय लगाया तो पढ़ना हो गया। खटाई, खट्टे शब्द में हमने आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, आई प्रत्यय। और खटाई, एक तो होता है खट्टा, एक होता है खटाई। खट्टा मतलब जैसे अंगूर खट्टे हैं, है ना, और एक होता है खटाई, किसी चीज में खटाई होना। तो अर्थ में जो है परिवर्तन आता है। जैसे पढ़ाई, है ना, पढ़ना अलग चीज होती है और पढ़ाई अलग, तो दोनों का मतलब तो एक है पर इसके अर्थ में जो है परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय किए। प्रत्यय के हम हिंदी में परिभाषा देखते हैं तो क्या बनती है, जो शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वह प्रत्यय होते हैं। अब आज जो है हम यहाँ पर संस्कृत में अध्ययन करेंगे। मैंने पहले भी बताया था और मैं आज भी कह रही हूँ, किसी चीज को हमें याद करने के लिए उसके छोटे स्वरूप को याद कर लेना चाहिए, है ना। जैसे हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं, उस मार्ग को अगर हम वैसे समझते हैं तो बहुत हार्डली वो रास्ता है, पर कुछ हम आइडियाज लगा लेते हैं या कुछ हम अपने ही लॉजिक लगा लेते हैं कि इस गली के अंदर से यहाँ जाएंगे, सामने एक मंदिर दिखाई देगा, उस मंदिर के पीछे वाली गली में जाएंगे तो वह घर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये शॉर्ट हुआ कि हाँ बस इतना सा ही तो रास्ता है। एक होता है कि मेन रोड से जाएंगे, फिर वहां पर एक गली आएगी, वहां एक मंदिर है, उस मंदिर से पीछे वाली गली से सीधा निकल करके फिर उस घर में जाएंगे। तो कितनी लंबी बात हो गई। जितना हम छोटे स्वरूप में याद करेंगे, चीज को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम संस्कृत में प्रत्यय की डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले तो देखो, विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयुक्तम शब्दम प्रतिपाद्यतुम यह शब्दः वर्णो वा प्रयोज्यते सह प्रत्यय कथ्यते। किसे कहते हैं प्रत्यय? देखो, विभक्ति रहितस्य, जिसमें विभक्ति नहीं होती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ठीक है, जो हम शब्द रूप बनाते हैं। तो विभक्ति रहितस्य कि विभक्ति से रहित, मूल शब्दस्य जो मुख्य शब्द होता है, जैसे पढ़ना, पढ़ने में मुख्य शब्द क्या है, पढ़, है ना, हसती हसना हस, चलती चलना चल, खादती खाना खाने के अर्थ में। तो इस प्रकार से जो मूल शब्द है उसके अंत में अर्थयुक्त शब्दम प्रतिपाद्यतम, कोई अर्थ से युक्त शब्द प्रतिपादित होता है, यह शब्द है। यह माने जो, जो शब्द वर्णों व प्रयोजते, वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। हमें यहाँ पर परिभाषा को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ परिभाषा को ध्यान में रखना है कि संस्कृत में जो विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थयुक्त जो शब्द प्रतिपादित होते हैं और जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहलाते हैं। विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरणे प्रकृति ही उच्यते, कि विभक्ति रहित जो मूल शब्द है संस्कृत व्याकरण में उसे प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति इयम द्विविधा तदथा धातु प्रादिपक्ष। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको हिंदी में बोला गया कि आप किसी चीज का पद कीजिए। अब शब्द पद कैसे होता है, जैसे ताजमहल, अब आप ताजमहल को क्या करोगे, स्थानवाचक में लोगे, है ना। आगरा में ताजमहल स्थित है, एक वाक्य बनाया हमने, आगरा में ताजमहल स्थित है। अब इसका पूरे का पद बनाइए तो कैसे बनाओगे, आगरा स्थानवाचक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है। तो संस्कृत में भी प्रत्यय वैसे ही बनते हैं, आपको संस्कृत की परिभाषा याद नहीं करनी है, क्लियर है सबको। चलिए अब आगे चलते हैं। एवं धातु प्रतिपादिकात् च अनन्तरं यः वर्णः प्रयोज्यते सः प्रत्ययः भवति, कि जिसमें प्रातिपदिक धातु होती है, मतलब शुरू की जो धातु है और उसके बाद में कोई वर्ण है
जो वहां पर प्रयोग में लिया जाता है वो प्रत्यय होता है। देखो रामः इति शब्दे राम प्रातिपदिक अस्ति, राम जो है वो करता है, प्रातिपदिक मतलब जो करता होता है, तो राम शब्द जो है वो प्रातिपदिक है। विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग लगा, मैंने क्या बोला रामः, अगर मैं राम बोलती तो विसर्ग नहीं है। आप लोगों को यह पता ही है कि जब हम विसर्ग लगा देते हैं तो वहां पर ह की ध्वनि आती है, जैसे लता लताहा, रामे रामः, ठीक है, इस प्रकार से। तो सूच प्रत्यय वर्तते तथे पठित्वा इति शब्दे पठ धातु इति वर्तते कत्वा च प्रत्यय इति। अब हम लोग इसको एक बार शॉर्ट रूप में देखेंगे कि कैसे बनता है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे कत्वा, क आधा त और वा, कत्वा प्रत्यय, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि कत्वा में त्वा शेष रहता है। अब मैं यहाँ पर जो बोल रही हूँ, आप लोग आपके जो हथियार होते हैं क्या होते हैं, कॉपी और पेन, तो मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी और पेन निकाल के रखिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको शॉर्ट रूप में कीजिए, आपको ध्यान में रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो कत्वा, कत्वा में त्वा प्रत्यय शेष रहता है। आप हमेशा याद रखोगे कि कत्वा प्रत्यय में क के भी हलंत लगता है और आधा तय होता है, वा होता है, कत्वा में त्वा शेष रहता है। तो पहला प्रत्यय मैंने आपको बताया कत्वा, तो त्वा शेष रहता है। जैसे हमने बनाया पठित्वा, पठ धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो ये तो मैंने पहला बता दिया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके बाद में समझ लेते हैं इसको कि क्या चीज होती है। प्रत्यय पंचविधा भवन्ति, पांच विधा होती है, विभक्ति कृत, कृत प्रत्यय, तद्वित, तद्वित प्रत्यय जो हमने हिंदी में भी पढ़े हैं, स्त्री प्रत्यय, धातुयश्च, अत्र इमे प्रत्यय अपि अवबोधनीया। अर्थात इनसे हमें बोध होता है कि स्त्री प्रत्यय कौन सा है, कृत प्रत्यय कौन सा है, तद्वित प्रत्यय कौन सा है। कृत प्रत्यय का मतलब होता है जो कर्ता से रिलेटेड होता है, कर्ता से अपना रिलेशन रखता है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय का हम छोटा सा एक बार रूप देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड दिया अज, अज का अर्थ होता है बकरा, ठीक है। अब बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा, बकरी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, देखो टा प, टाप प्रत्यय में टा का आशेष बचता है। टा का क्या, यह स्त्रीलिंग में ही उपयोग के लिया जाता है, टाप का आशेष करो। अब आप कुछ भी बनाओ, जैसे बूढ़ा है ना, बूढ़ा आदमी होता है, अब उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, है ना, बुढ़िया, तो वो ही या, ठीक है, इसमें इया प्रत्यय भी हो गया, अज अजा, तो ये टाप प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से आपको स्त्री प्रत्यय जो है वो ध्यान रखने हैं। तो ये तो इतनी बात हो गई कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं विभक्ति की। विभक्ति कौन सी होती है, जिसमें हम सात है ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया से लेकर के सप्तमी संबोधन तक बनाते हैं, संबोधन को विभक्ति नहीं माना जाता। यहाँ पे डेफिनेशन देखो इसकी, धातु नाम अनंतरम ती त अंति, आपको दिमाग में आ चुकी है ना कि ये ती त अंति तो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, धातु रूप में पढ़ते हैं, जैसे पठती, पठ प्लस ती, पठतः, पठ प्लस तः, पठंती, पठ प्लस अंति, चलसी, चल प्लस सी, असी, ओके, चलथ, चल प्लस अथ है। तो कुछ भी नहीं है ये, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको हो सकता है कि कैसे समझ में आएगा, पर जब आप प्रत्यय करोगे तो वेरी इजी, बहुत आसान लगने वाला है आपको। अब देखो राम प्लस सु रामः, गम प्लस ति गचति, पठ प्लस अंति पठन्ति, धातु बनने के बाद में। अब देखो ख, कृत धातु पश्चात प्रयुक्ता प्रत्या, कृत प्रत्या भवन्ति, पठ प्लस ल्युट पठनम, तद्वित प्रत्यय। देखो संज्ञाया सर्वनामस्य पश्चात, संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो हिंदी में है वही होती है सेम, संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त तो जो है वो तद्वित प्रत्यय होता है। जैसे शिव अण, तो पहले संज्ञा क्या आया, शिव, संज्ञा है शिव, उसमें अण प्रत्यय लगाओ तो क्या बना, शैव। हमें इतना नहीं जाना, हमारे पाठ्यक्रम में जो है हम वही पढ़ेंगे। अब है स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगेषु परिवर्ति ये प्रत्याह प्रयोगे व्यवहन्ते, स्त्री प्रत्यय कि पुल्लिंग जो शब्द होता है उसको जब आप स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करोगे तो उसके प्रयोग से स्त्री प्रत्यय। देखा मैंने बताया चतुर प्लस ताप, चतुर किसके लिए आता है, ये बड़ा चतुर है, पुल्लिंग के लिए,
चतुरा स्त्रीलिंग के लिए, तापमिया धात्र दात्री, दात्र माने देने वाला और दात्री माने देने वाले। ओके तो ये सब क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको और सरल तरीके से जो है करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है धातु अव्यव, आप देखो इसमें एक संधि हो रही है धातु प्लस अव्यय, तभी तो बना ये धातु अव्यव। धातो विभक्तेश मध्य संच प्रवर्त्य प्रत्यय धातु। देखो जहां पर ये जो आती है विभक्ति वहां पे अव्यय पठ प्लस नीच तिप प्रत्यय, तो क्या हो गया पाठयति। ओके आंग्ल भाषायां, आंग्ल भाषा का मतलब क्या होता है अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा में प्रति इत प्रत्यय जो है वो शब्द वर्तते प्रयोग होते हैं, पर कुछ प्रमुख व्यवहारिक प्रत्यय होते हैं। देखो अब हमने जितना भी पढ़ा है ना, हमें बहुत जगह घूमना है, ठीक है, हमें हमारे सपने हैं कि हम अमेरिका भी चले जाएं, हम भारत के सारे दर्शनीय स्थान देख लें, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा सपना होता है कि हम यहाँ घूमें, हम उस पर्यटन स्थल को देखें, पर उन सारे पर्यटन स्थल में आपको जो सबसे अच्छा पर्यटन स्थल लगता है वहां पे ज्यादा घूमना पसंद करोगे। अगर आपके पास में बाकी चीज बाकी जगह घूमने के ऑफर आएंगे तो आप उनको भी नकार दोगे। सेम वही बात है कि हमें हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सिर्फ हमने समझने के लिए पढ़ा, बट अब जो हम पढ़ रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो हम बाद में बात करेंगे इस विषय में। चलिए तो व्यवहारिक रूप से प्रत्यय कौन से होते हैं ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप जैसे भी जो भी चाहते हो इसको देख सकते हो अपनी बुक में। तो देखो पहला तत्वा प्रत्यय, सेकंड तुमुन प्रत्यय, थर्ड श्रत प्रत्यय, शय और ता के नीचे दी की मात्रा श्रत प्रत्यय, चौथा शानच प्रत्यय, पांचवा तव्यत प्रत्यय, छठा अनियत, उसके बाद में कत प्रत्यय, फिर कत्वतु, फिर घन प्रत्यय, फिर टाप ल्यूट णिच लेप इत्यादि। अब आप लोग इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है वो आप लोग देखोगे कत्वा तुमुन शत शानच तव्यत अनियत कत कत्वतु टाप, इतने आप लोग और लेप इतने जो है आप लोग देखोगे। हमें इन्हीं को पढ़ना है तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे उदाहरण के साथ में हम लोग बात करेंगे इसके विषय में, पर हम पहले जो हमारी पुस्तक के अंदर अभ्यास दिया हुआ है उसका अभ्यास करते हैं, फिर हम अपने एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कत्वा है ना, तो कत्वा में मैं सिंपल सी बात है आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कत्वा में त्वा शेष रहता है। तो देखो गम प्लस कत्वा गत्वा जा करके, पठ प्लस कत्वा पठित्वा पढ़ करके, हस प्लस कत्वा हसित्वा हस करके, परी प्लस त्यज परित्यज्य है ना। अब देखो कत्वा में त्वा शेष बचा, आपको शब्द में दिख ही रहा है गत्वा मतलब गम धातु है जा करके, पठित्वा पठ धातु है, हसित्वा हस धातु है। अब ल्यप प्रत्यय परी प्लस त्यज फिर ल्यप, तो परी प्लस त्यज, अब लेप प्रत्यय में य शेष रहता है ठीक है, तो परित्यज्य वी प्लस हस, और लेप प्रत्यय बनाओगे तो क्या बनेगा य शेष रहता है तो विहस्य, उप प्लस गम प्लस लेप तो उपगम्य, इस प्रकार से आप लोग जो है इसको बनाएंगे। चलिए अब तुमुन देखते हैं, नी प्लस तुमुन नीतुम मतलब तुमुन में क्या शेष बचता है तुम शेष बचता है, तो नीतुम गम प्लस तुमुन गंतुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम, चल प्लस तुमुन चलितुम। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, अहम पुस्तकम पठित्वा, अब आपको पूछ लिया जाए कि गृहं गमिष्यामि मैं पुस्तक पढ़ करके घर जाऊंगा, अब आपको पूछ लिया कि यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और कौन से शब्द में हुआ है, आप लोग बताएंगे पठित्वा शब्द में प्रयोग हुआ है, कत्वा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, क्यों क्योंकि यहाँ पे त्वा शेष रहा है इसलिए। ओके सेकंड एग्जांपल देख लो, श्यामः गृहं परित्यज्य वनं गतवान, कि श्याम जो है वो घर को छोड़ करके वन की ओर गया गतवान। देखो दो प्रत्यय आ रहे हैं इसमें इस वाक्य के अंदर, परित्यज्य में यह है तो लव प्रत्यय है और गतवान में वान शेष है, वान का मैंने आपको पहले भी
हमने जब चैप्टर का अध्ययन किया था तब मैंने बताया था कत्वतु प्रत्यय वान वति वत तीनों लिंग चलते हैं, तो वान पुल्लिंग के लिए, वति स्त्रीलिंग के लिए और वत नपुंसकलिंग के लिए। ओके, अब तुम, तुमुन का तुम शेष रहता है, नीतुम गंतुम पठितुम चलितुम। देखिए लता पुस्तकम पठितुम, अभी आपको क्वेश्चन बन गया कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या बताओगे, तुमुन प्रत्यय। अहम फलम नीतुम आपणम गमिष्यामि, नीतुम में कौन सी धातु है, नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर हम इसका एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर बस हमें क्या ध्यान रखना है, जो मुख्य रूप से हम लोगों को कत्वा तुमुन श्रत शानच तव्यत अनियर कत कत्वतु उसके टाप और ल्यप इनका हमें जो है अध्ययन करना है, इनको हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि यह हमारे पाठ्यक्रम में है ना। जिस मंजिल पर जाना है उस मंजिल का रास्ता ही पकड़ना होगा, ऐसे तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी, है ना। हम मंजिल पे तो हमें जाना है कहीं और हम घूम कहीं और रहे हैं, तो वो मंजिल कैसे प्राप्त होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर मुख्य रूप से यह प्रत्यय का जो है अध्ययन करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम फिर इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। अभी मैं यहाँ जो है प्रत्यय को, अपने प्रत्यय को जो है विराम देती हूँ।